नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह के बारे में, राहुदेव के बारे में। ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में राहु क्या है। राहु इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में, राहु के संबंध, राहु का परिचय, जो भी शब्द आप यूज करो वो ये है कि राहु क्या है, राहु के बारे में विशेष जानकारी सरल में देने का हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो जैसे बताया कि राहु अपना कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि एक छाया ग्रह है, छाया ग्रह है। फिर ये आप बोल सकते हैं विचारों की कल्पनाएं हैं, इस तरह ये एक छाया ग्रह हो गया। इसका ऐसा बताया जाता है कि ये मलच्छ जाति का इस पे पूर्ण प्रभाव रहता है। ये इसका जो हमारी इंद्रियां है, रस इंद्रियां पर विशेष प्रभाव रहता है, जैसे कि नाक, कान, जीभ, मस्तिष्क, तंत्र, इस पर इसका पूर्ण प्रभाव रहता है। फिर इसे चंद्रमा का नॉर्थ नोड, उत्तरी नोड भी कहा जाता है। पुरानी कथाओं में इसे ड्रैगन का सिर कहा जाता है। राहु वह सब कुछ करता है जो कि समाज में जो मापदंड है या समाज के जो स्वीकृत मापदंड हो उसके विरोध में जाता है और वैसे काम करता है। यह एक विद्रोही ग्रह है, ये शरारत है, धोखाधड़ी है, गुप्तता इसमें है। इसे अंधेरे का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसे इस तरह से राहु जो है यह है छल, है छलावा देने वाला ग्रह है। साथ साथ में ये ब्रह्म यशन, भौतिकवाद और अनैतिकता, ब्रह्म और विश्वासघात, जुआ और दवाओं, जहर और मृत्यु, लालच और हेरफेर का प्रतिनिधित्व करता है। यह षड्यंत्रकारियों के लिए महान है, इसलिए अगर इसका अनुकूल रूप देखा जाए तो राहु प्रसिद्धि भी दिलाता है। हमने वीडियो बनाए हैं, आप देखिए इसमें राहु के जो अनुकूल होने पे कितने अच्छे प्रभाव होते हैं वो सब बताए हैं, तो वो देखिए आप। इससे आपको प्रसिद्धि, सुख समृद्धि, राजनीति में लोकप्रियता आदि के बारे में हमने बताया गया है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि राहु जो है ये रूप बदलता है, तो आप देख सकते हैं कि जो कि फिल्म उद्योग में जो लोग काम करते हैं, राजनीति में काम करते हैं, वो अपने मुखौटे बदलते रहते हैं, तो इसलिए इसके राहु का वहाँ ज्यादा प्रतिनिधित्व होता है। इसका क्योंकि ये सर मात्र, राहु केवल सर है, अतः जातक के चेहरे के भाव इस ग्रह पर विशेष प्रभाव डालता है। हमने जैसा बताया कि वाणी जीवा पर इस ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। यह विश्व तत्व पर इस ग्रह का पूर्ण अधिकार है। जब भी हम संगीत, गायन, वादन आदि जो क्षेत्र है इसके बारे में बात करेंगे, तीन क्षेत्रों में ध्वनि तरंगों के संयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो ये इसका भी कारक है। फिर ये हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट, परिवहन, आवागमन संबंधी जो भी कार्य होते हैं उसका भी प्रतिनिधित्व करता है, जैसे डाक विभाग है, रेल, वायु, बस सेवा, टेलीफोन विभाग, दूरदर्शन विभाग आदि पर भी राहु का विशेष अधिकार है। जैसा कि हमने बताया
इसकी राहु ग्रह है हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह के बारे में कि जिस तरह से इसका अधिकार है डाक विभाग पे, रेल, वायु, बस, टेलीफोन आदि पे राहु ग्रह का विशेष प्रभाव है। हमने इसके पहले भी आपको बताया कि जैसे कि राहु 6 नंबर की राशि कन्या में वो सौघरी होता है, 2 और 3 नंबर की राशि में ये उच्च का होता है, और 11 नंबर के जो राशि कुंभ राशि उसमें मूल त्रिकोण का होता है। इसके जो मित्र ग्रह हैं बुध, शनि, शुक्र, इसमें भी अगर राहु बैठता है तो अच्छा प्रभाव देता है। तो इस तरह से राहु के बारे में जब भी इसकी दशा महादशा चलती है जो 18 वर्ष की होती है और एक राशि में 1.5 वर्ष गोचर में चलता है, तो जब भी इसका होगा तो इसमें जातक का अगर प्रतिकूल होगा तो भोग विलास में लगा रहता है। काले कार्य जैसे कि असामाजिक तत्व जो काम करते हैं, ब्लैकमेलिंग राहु के इसी गुणधर्म में आता है। जैसा हमने बताया कि राहु जो है हवाई यात्रा, विदेश भ्रमण, पर्यटन, विदेश में रहना, राहु का अगर अच्छे भावों में हो, जैसा कि हमने राहु के बारे में पहले बताया कि राहु अगर आपका 9वां भाव, 10वां भाव, 4थे भाव पे प्रभाव डालता हो तो विदेश यात्राएं करता था, विदेश में जाने के लिए बाध्य करता है, तो आप विदेश जा सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। इस तरह से इसका अधिकार चित्रकारी, फोटोग्राफी, बिजली आदि के कार्यों में भी इसका प्रभाव देखा गया है। तो राहु जब अच्छे फल देता है तो वो हमने आपको जानकारी वीडियोस में दी है। और इसके जो नक्षत्र है स्वाति, आद्रा, सद्विता राहु के नक्षत्र हैं और इसमें जब रहता है तो अच्छे सर्वश्रेष्ठ फल देता है। जो अफवाहें फैलती हैं, अचानक होने वाली घटनाक्रम होते हैं, सनसनी फैला देने वाली खबरें जो होती है उसका भी ये संचालन करता है। जब भी तूफान, युद्ध, दहशत गर्दी होती है तो उसमें भी राहु का प्रभाव देखा गया है। राहु में शुक्र ग्रह की जो दशा अंतरदशा आती है तो राजा से रंग का, रंग से राजा बनाने का भी कार्य हो जाता है। ये जो योगाभ्यास, ध्यान, कलात्मक कार्य भी ये भी राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। गड़ा हुआ धन जो हम देखते हैं 8वें भाव से, और उसका प्रभाव अगर द्वितीय और 11वें भाव से होता है और राहु अगर 8वें भाव में होता है तो यहाँ पे गड़ा हुआ धन आदि भी, उसको छिपा हुआ धन जिसको बोलते हैं, वो अचानक मिलने वाले जो भी धन है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से 12वें भाव में मान लो राहु है तो उसकी स्थिति यह होगी, अगर वो अच्छी स्थिति में है तो जेल यात्रा हो सकती है, सड़न तथा शासकीय दंड प्राप्त हो सकते हैं। हमने अभी एक वीडियो बनाया जिसमें 3रे 6ठे 11वें भाव के राहु के जो योग कारक होते हैं और वो अपने मित्र ग्रह की राशि में हो, उच्च के सौ राशि के मूल त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। इस तरह से घोटाले जो होते हैं, अर्थ के जो विवाद होते हैं, कलंक लगते हैं, ये अशुभ राहु के प्रभाव होते हैं। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से राहु राजनीति में बहुत अच्छा योगदान देता है, विदेश यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। फिर जो पॉजिटिव निगेटिव सप्तक के प्रभाव के बारे में हमने आपको बताया, इसका छल है, भ्रम है, यशन है और खतरे हैं, भ्रम और विश्वासघात है, ये सब चीजें आपको बताया। और इसका पॉजिटिव प्रभाव भी, अनुकूल प्रभाव भी हमने बताया कि प्रसिद्धि मिलती है, राजनीति में भी अच्छे सफल हो जाते हैं, सरकार में भी अच्छी स्थिति प्रदान करते हैं अगर वो अच्छे हैं तो। तो इस तरह से हमने राहु ग्रह के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दिया और ये दिखाया कि किस तरह से राहु का जो दशा काल होता है 18 वर्ष का होता है और ये जो है
और शास्त्रों के अनुसार बताया कि जब भी ये अपने बुध शुक्र शनि की मित्र राशियों में होंगे तो अच्छे प्रभाव देते हैं, परंतु सूर्य चंद्र मंगल आदि ग्रहों के साथ में जब होते हैं तो अच्छे प्रभाव नहीं देते, इनकी राशियों में भी बैठेंगे तो अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं। तो इस तरह राहु का बहुत से बाद में हम योगों के बारे में बात करेंगे कि इसके कारण जो योग बनते हैं वो किस तरह से होते हैं, उसके अलग से हम जानकारी देंगे। तो आज हमने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह राहु का अपना प्रतिनिधित्व करता है और उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, अच्छे बुरे किस तरह के प्रभाव हैं, वो सब इसके राहु के अंदर आते हैं। तो हमने एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ में आपने आज मेरी चैनल सब्सक्राइब की, मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।